दोस्तों, मैं राजू स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटेशन एक्सपेरिमेंट में। आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से सिलाई मशीन के अंदर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसको दूर किया जा सकता है। काफ़ी महिलाओं की मेरे पास कमेंट आती है और उस कमेंट में लिखा होता है सिलाई मशीन धागा नहीं उठा रही या धागे की वजह से कोई सिलाई मशीन में दिक्कत आ रही है और भी समस्या वो बताती है महिलाएँ, तो उस सारी समस्या को सॉल्व करने के लिए बताने वाला हूँ कि मशीन के अंदर नीचे जो भी दिक्कतें आती हैं वो कैसे दूर करेंगे। तो चलिए पूरी वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। और ये हमारी सिलाई मशीन है जो मिनी सिलाई मशीन है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका बोबिन केस होता है, यहाँ पे इसका बोबिन केस होता है इस जगह पे, और मशीन के अंदर जो है यहाँ पे आपका सेल लगाने का सिस्टम होता है। जैसे आप इनको खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चार सेल यहाँ पे इसमें लगते हैं। दूसरी बात, इसको अगर अंदर कोई समस्या आ जाती है मशीन को आपको खोलना पड़ता है, अगर इसको रिपेयर करना है, इसके अंदर धागा फंस गया है या कोई और समस्या आ गई है तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, एक दो एक तीन एक चार पाँच ऐसे करके स्क्रू लगे होते हैं। ये सारे स्क्रू को हमने खोल लेना है क्योंकि मैं स्क्रू ये ऑलरेडी खोल चुका हूँ सारे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इस मशीन के अंदर अभी क्या समस्या आ रखी है। तो जैसे स्क्रू खोल लेंगे हम तो सबसे पहले नीचे कवर भी निकाल दें और साथ में इसकी जो आगे की स्टिक वो भी निकाल दें, फिर इसको धीरे से मशीन को आराम से तरह से खोलें बिल्कुल आराम से। ये कवर इसका जो है ये वाला कवर इसका अलग हो जाएगा, इसको साइड करते हैं। तो मशीन में आप देख पाएंगे आप नीचे ये जो धागा है ये देखो नीचे इसमें यहाँ पर पूरे में धागा फंसा हुआ है। इस धागे को हमें यहाँ से निकालना है, इसको क्लियर करना है। जब क्लियर हम इसको कर देंगे तो मशीन सही चलने लगेगी। तो चलिए इस धागे को निकालते हैं और इसको एकदम क्लियर करते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये स्क्रू से इस बॉटम को हम खोलेंगे तो फटाख से इसको अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस पार्ट को खोल लिया है इसमें से, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस बॉटम में भी धागा फंसा हुआ है और यहाँ भी धागा फंसा हुआ है। तो हम इसके सारे स्क्रू को पहले इस तरफ निकाल के रख देंगे। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे धागा फंसा हुआ था, ये इसको निकाल के साइड कर देंगे। और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप नीचे कितना सारा धागा इसमें जो है फंसा हुआ है पूरा, ये सारा धागा। इस तरह से जब मशीन में धागा वागा फंस जाता है बहुत सारा देखिए, और उसके बाद मशीन काम नहीं करती प्रॉपर ढंग से। ये इसके सारे पार्ट्स मैंने खोल दिए ए टू जेड। अब इसको वापस से हम सारे पार्ट्स को फिर से असेंबल करेंगे। आप बड़े ध्यान से देखिएगा किस तरह से ये वापस सारे पार्ट लगाए जा रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको इसके अंदर बैठाना है इस तरह से, ठीक है। फिर इस वाले पार्ट को इसके अंदर इस तरह से बैठाना है। इसके बाद उठाओ तो एक गरारी में देखो यहाँ पे कट का निशान बना हुआ है, तो इस वाले कट वाले गरारी को इसमें ऐसे बैठा देना है। फिर इसमें एक स्क्रू वार्शल के साथ में, ये वार्शल ले लें साथ में, साथ में यहाँ पे एक स्क्रू कसा जाएगा, ये वाला वार्शल ले लें, फिर वार्शल के साथ में रख के इस स्क्रू को अंदर टाइट कर दें। ये पेच हल्का कस दिया मैंने, ये ध्यान रखें ये हमेशा घूमता रहता है, ये घूमता रहना चाहिए इस तरह, इतना पेच कसना है कि घूमे। उसके बाद में दूसरी गरारी यहाँ पे रखेंगे और फिर एक वार्सल और उठाएंगे और वार्सल को उसकी पोजीशन पे रख के उस स्क्रू से कस देंगे। जब इसको आप कस देंगे तो ये जब इस वाली गरारी को हम घुमाएंगे तो इस तरह से ये भी घूमेगी, ठीक है। उसके बाद में ये पत्ती यहाँ पे रखें और इस पत्ती को रख के इस पत्ती पे तीन पेज जिसके थे ये तीनों पेज को वापस कस लेंगे। ये सारे तीनों पेचों कसने के बाद में ये जिसमें हम बोबिन रखते हैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से रख देंगे हम लोग, कुछ इस तरह से इसमें रख देंगे ताकि जब ये घूमे तो ये ना घूमे बीच वाला हिस्सा। ये पार्टीशन इसको रोकने के लिए ही होती है, नीचे का हिस्सा घूमेगा लेकिन ऊपर का ये नहीं घूमेगा। अब इसका सारा कचरा साफ हो गया तो मशीन में हम इसको वापस से फिट कर देंगे। इस पार्टीशन सेट हो गई, हम इसको वापस मशीन के अंदर फिट कर देंगे। चलिए मशीन के अंदर फिट करना दिखाते हैं आपको। चलिए तो ये मशीन हमारी आ गई है हमारे पास में, तो अब इसके अंदर इसको वापस सेट करना है। तो ये पार्ट इसमें कुछ इस तरह से जाएगा वापस अंदर,
ये वाले गरारे निकालने वाले आराम से, इसको आराम से बैठाएं। बैठाने के बाद में इसके स्क्रू को इसी की जगह पे वापस बाद में ये इसका जो है हम पूरे इसके अंदर वैसे ही लगा देंगे। अब देखिए इसके सारे पार्ट हमने वापस वैसे के वैसे ही कर दिए जैसे मशीन के अंदर लगे थे। जैसे मशीन यहाँ से घूमेगी तो ये इस तरह से सारे 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 कंपोनेंट इसके इस तरह से घूमेंगे। तो अब मशीन को वापस पैक कर लेते हैं जैसी ये थी। अब मशीन का देखो, बहुत सारी लेडीज कहती है धागा ऊपर नहीं उठा रही, नीचे से धागा ऊपर नहीं उठा रही। मशीन एकदम रेडी है, सारे जो है मैंने धागा इसके अंदर यहाँ से बोबिन में और यहाँ से करके सारा डाल लिया है। बोबिन को खाली इसके अंदर ऐसे ही है, ऐसे ही बोबिन को इसके अंदर रख देना होता है। और उसके बाद जैसे आप मशीन को चलाएंगे तो मशीन ये देखो फौरन धागा उठा के बोबिन से, ये बोबिन का धागा उठा के ले आई है मशीन ऊपर। अब बोबिन का अगर धागा उठा के ले आइए मशीन, तो जाहिर सी बात है मशीन सिलाई भी ओके करेगी, कोई समस्या नहीं आने वाली है। जब भी धागा घूमता नजर आ रहा होगा आपको, ये धागा इस तरह से ऐसे घूमेगा और ये ऐसे गांठ रख के आ जाएगी, एकदम ओके है, एकदम रनिंग कंडीशन में है। ठीक है,